बच्चे इस प्यारी दोपहर में गेंद से खेल रहे हैं। बबली पकड़ो, मुझे पास करो। क्या तुम कुछ मजेदार देखने जाते हो? ये देखो लल्लू की केक। मैं जाके लाता हूँ। वो मेरी पसंदीदा केक थी। चुभ रहा है और ये बहुत दुख रहा है। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक अखरोट है। ये सिर्फ दिखने में अजीब है पर बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बताओ, वहाँ पर तो बहुत सारे हैं। आओ मैं बताता हूँ। देखो। कितने सारे। एक और मिला।
बहुत अच्छी बात है। मम्मी, हम इन हेज़लनट्स को खोल नहीं पा रहे हैं, क्या आप मदद करोगी? हाँ, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। सब यहाँ देखो, सबसे पहले हम इसे नीचे रखेंगे और फिर इसे ऊपर से रगड़ेंगे। फिर हम हाथों में मोटी ग्लव पहन लेंगे ताकि चोट ना लगे, और उसके बाद हम इसे ऐसे तोड़ेंगे और बीच में से नट्स निकालेंगे। ये देखो। अयला, चलो देखते हैं कौन कितने ज्यादा बीज निकालता है। ठीक है। ओ, तो आयुष्मान मेरे साथ है। चलो हम भी मिलकर करते हैं। बहुत अच्छे। छोड़े, मैं मदद करता हूँ। निकाले, इसका मतलब है सबसे ज्यादा मैं लूंगा। लल्लू, क्या तुम अखरोट हमारे साथ भी बांटोगे? हाँ, ये सही है, हम सभी ने बहुत मेहनत की है। तुम ठीक हो, तुम जिसके लायक हो मैं तुम्हें दूंगा। ये तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आयुष्मान मेरी टीम में था तो ये इसके लिए है। लल्लू, मैं तो तुम्हारी टीम में था। और बड़े छोटे की मदद से हम यहाँ पहुँचे। लल्लू, मैं और छोटे ये यहाँ तक खींच कर लाए। बिल्कुल सही, तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सब मेरे हैं। आयुष्मान, लल्लू, लड़ना बंद करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम सब दोस्त हो तो तुम में बराबर का ये शेयर होना चाहिए। आखिर सब ने तुम्हारी मदद की है। ये काफी सारे है, क्यों ना मैं इन सब का केक बनाऊं और तुम सब मिलकर खाओ। मिसेस अरोड़ा, मेरे पास बहुत सारा शहद भी है। ठीक है, मैं हनी और हेज़लनट का केक बनाती हूँ। हे दोस्तों, मम्मी ने केक बना लिया। वाह, ये कितना अच्छा दिख रहा है। मिसेस अरोड़ा बहुत अच्छा केक बनाती है। चलो जल्दी से इसे काटे। हाँ बच्चों, जरा आराम से। अच्छी खुशबू है। शुक्रिया मम्मी केक बनाने के लिए। ये मैंने अकेले नहीं किया, तुम सब ने मदद की है। अगर तुम हेज़लनट नहीं लाते तो मैं ये केक कैसे बनाती? तुम लोगों ने उसे तोड़ा, जमा किया और यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद तुमने उसे तोड़ा भी। तो अब बताओ, ये केक बनाने में तुम सबका बराबर हिस्सा है ना? हाँ। हेज़लनट तोड़ने से लेकर केक बनाने तक तुम सबका बराबर शेयर है। बबली, मैं अपना केक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम आपस में शेयर करेंगे तो हमें मजा आएगा। हाँ, और हमें खुशी होगी। बांटना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, हम सबको करना चाहिए। ये लीजिए, आप मेरे हो। तुम सब कितने अच्छे बच्चे हो। आज नीकू बहुत खुश है क्योंकि वो नए जूते पहन कर आया है। अच्छे लग रहे हैं। आज मैं अपने नए जूते दोस्तों को दिखाऊंगा। अरे वाह राजकुमार लल्लू, अगर हम फुटबॉल खेलेंगे तो क्या तुम मुझे अपनी टीम में रख लोगे? मुझे रख लो ना, मैं तुम तो बहुत अच्छा खेलूंगा। राजकुमार लल्लू, लल्लू मुन्ना, यहाँ आओ ना, मैं तुम
चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मेरे नए जूतों को देखो ना, ये कमाल के हैं ना। तुम्हारे जूतों में मुझे तो कोई खास बात नहीं दिखती। हा? मेरे पैर इंसानी जूतों से ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ मेरे भी। जूते बेहतर होते हैं। मेरा फीता खुला हुआ है। निको, तुमने शूलेस कैसे बांधी? मुझे भी सिखाओगे? पसंद आया? इसे फीता कहते हैं। इसे तब बांधते हैं जब हम किसी के लिए तोहफा ले जाते हैं। हाँ। और तब ये अच्छा लगता है। अच्छा। मेरा दूसरा फीता खुल गया है। मैं बांध कर दिखाता हूँ। मेरे पापा ने इस तरह करने को कहा था। हो गया। देखो, अब नहीं खुलेगा, अब नहीं खुलेगा। हाँ, ये तो खुल गया। रख कस के बांधता हूँ। हो गया। ये फिर से ढीला हो गया। तुम सही थे, जूते ज्यादा बेहतर हैं। पर ये बंधा क्यों नहीं मुझसे? क्लास शुरू होने वाली है। चलो चले, चलो चले। चलो निकू, चलते हैं। एक सेकंड। तुम क्या कर रहे हो? अभी जाना है। भागो निकू, हमें देर हो जाएगी। ये तो फिर से खुल गया। मेरे फीते बंद क्यों नहीं रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? हमें जाना है। मेरे फीते नहीं बंद रहे हैं। बड़े, तुम मेरे बिना जाओ। अगर तुम कहते हो। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? लल्लू को नहीं बता सकता। गुड मॉर्निंग लल्लू जी। बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। हाँ। शायद सब आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम ड्राइंग क्लास करेंगे। मुन्ना, इसे पकड़ो। मैं बनाने जा रहा हूँ एक खूबसूरत चेहरा। कितना अच्छा लग रहा है ये। तुम्हें पसीना आ रहा है? क्या मैं तुम्हें रुमाल ला कर दूँ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी है। हे निकू, तुम थोड़े बीमार दिख रहे हो। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। मत बताना। रुको, ए टीचर, निकू को। ओ निकू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फंस गया हूँ, ऐसा लग रहा है। मीठा शहद। ए निकू, आज जो मैं शहद लाया हूँ बहुत मीठा है, खाना चाहोगे? हाँ, थैंक यू बड़े। पहले मैं जाकर वहाँ पर फल रख देता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा, थोड़ा सा। मैं लूंगा बड़े, बस मैं इन फलों को उनकी जगह पर रख दूँ उसके बाद। ओ, ओ, ओ मेरा शहद, मेरा शहद। बड़े, तुम मेरे जूते के फीते पे खड़े हो गए हो। मेरा शहद बच गया। ये बताओ, क्या तुमने ये सेब मेरे ऊपर फेंका? माफी चाहता हूँ लल्लू, ये मेरी गलती है। मैंने गलती से निकू की शूलेस पर पैर रख दिया। लल्लू, माफ कर देना, मेरे फीते बार बार खुल जा रहे हैं। तुम लोग मुझे माफ कर दो। कहाँ बात कहा, ये सब तुम्हारी शूलेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, जानते हो ये सेब स्वादिष्ट है।
मुझे पता है, हो सकता है हम निकू को उसके जूते के लेस में मदद कर सके। ठीक है। मैं समझ गया, हम दूसरे जूते को देखकर कर सकते हैं। मुझे कोशिश करने दो। मैं भी कोशिश करूंगा। शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाती। क्या ये हो गया? ठीक है। जरा मैं देखूं। तुमने मेरा दूसरा फीता भी खोल दिया। बड़े, अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास इसका हल है। लेसेस को अपनी जुराबों में फंसा लो। लल्लू, क्या ये सच में काम करेगा? कुछ कदम चलो। मेरी तरफ देखो, ये सच में काम कर रहा है। चलो चलकर फुटबॉल खेलते हैं। बहुत अच्छा। मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। और मैं ये मारूंगा। कोशिश तुमने अच्छी की थी, पर इसे फुटबॉल नहीं कहते। रुको, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल पा रहा। ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे नहीं पहनना तुम्हें। तुम भी जाओ। तुम रो क्यों रहे हो? कोच डमरू। क्या ये तुम्हारे जूते हैं? मुझे बताओ क्या हुआ? कोच डमरू, मेरे पीते वो बार बार खुल जा रहे हैं और मुझे बांधना नहीं आता। कोच डमरू, क्या आप मुझे बता सकते हो उसे कैसे बांधूं? बताओ ना। मैं तो भूल गया, आप जूते नहीं पहनते तो आपको नहीं आता होगा। जरा मुझे देखने दो, मुझे लगता है मैं कोशिश कर सकता हूँ। समझ गया, मैं तुम्हारा जूता बांध दूंगा। आप कर रहे हैं कोच डमरू, आप कर सकते हैं। लो, हो गया। आपने कर दिया। कोच डमरू, आप मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल, गौर से देखो बच्चे। पहले जूते के फीते को इस तरह से पकड़ो, उसके बाद इसे ऐसे घुमाओ और फिर दो छल्ले बनाओ और उसके बाद उसे इस तरह से पकड़कर खींचकर कस दो। बस हो गया। वाह, ये बढ़िया था। कोच डमरू, क्या आप मुझे दोबारा दिखा सकते हो? बिल्कुल, बस ध्यान से देखो। निकू अपने जूतों को नहीं कस पाएगा, वो फुटबॉल कैसे खेलेगा? हो सकता है हम कुछ और खेल खेले जिसमें पैर का इस्तेमाल ना हो। हम खेल भी सकते हैं। मैं आ रहा हूं। देखो मेरे जूते, ये बंद गए। वाह, बहुत बढ़िया, तुमने अपने जूते के लेस बांधना सीख लिया। उम्मीद करते हैं ये फिर ढीले नहीं होंगे। अगर ये खुल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूँ कैसे बांधते हैं। अगर वो खुल गए तो तुम उन्हें कभी बांध नहीं पाओगे। तुम कभी नहीं बांध पाओगे। इसके हाथ पकड़ो। सुनो, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है निकू। फिक्र मत करो, देखो मैंने क्या सीख लिया। देखा ही नहीं। चलो अब चलकर फुटबॉल खेलते हैं। चलो। बब्लू डब्लू पार्क में एक और खूबसूरत दिन। सूरज पहाड़ों से झांक रहा है और बच्चे आराम कर रहे हैं। सुनो दोस्तों, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो दुनिया की सबसे सुंदर लोमड़ी बनूंगी। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं अपनी मम्मी के साथ खेलूंगा और रोज अपने दोस्तों से मिलूंगा। बड़े, पता नहीं तुम बड़े होके कैसे दिखोगे। मैं तो मिस जानकी जैसा बनना चाहता हूँ, समझदार और मददगार और महान भालू बनूंगा।
वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा है। दोस्तों अब मेरी बारी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक आविष्कारक बनूंगा और इस दुनिया के सारे लोग मुझे जानने लगेंगे। आविष्कारक क्या होता है? आविष्कारक गजब के लोग होते हैं। वो ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कभी दुनिया में थी ही नहीं। वो लोगों की मदद के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अब मैं भी बनाऊंगा। कभी तुमने कोई आविष्कार किया है? ओ वैसे आविष्कार आविष्कार करना मुश्किल नहीं है। आज मैं कुछ नया आविष्कार करके दिखाऊंगा। चलो बिनिकू, कुछ सोचो, कुछ भी अच्छा सोचो। सभी चीजें तो पहले से बना दी गई हैं। अब मैं क्या बनाऊं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपना मुंह क्यों खोला सबके सामने? सुनो निको, क्या तुम ठीक हो? मिस बैनर्जी, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीजें सभी लोगों ने बना दी है। अब ऐसा क्या बचा है जो मैं बनाऊं? अच्छा तो ये बात करने को, मेरी बात सुनो। आविष्कारों की कोई सीमा नहीं, उन्हें आराम से देखो, समझो और आसपास की चीजों पे ध्यान दो। देखो, समझो और आसपास की चीजों पर ध्यान दो। मैं समझ गया। थैंक यू मिस बैनर्जी, बाद में मिलते हैं। कितना होशियार है निकु। मुझे चीजों पर ध्यान देना है और उन्हें समझना है। मैं इस रास्ते से हजारों बार गुजरा हूँ, अब ऐसा क्या बचा है देखने के लिए? अरे मैं गिर रहा हूँ। ये क्या चीज है? मंगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गड्ढे खोद रहा था। खोद रहे हो? हम खोदने के लिए बेलचा इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ये क्या कर रहे हो? देखो मंगू, मेरा नया आविष्कार, एक बेलचा। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नामुमकिन है, मेरे पंजे इससे ज्यादा तेज हैं। चलो फिर प्रतियोगिता रखते हैं। ये एकदम नामुमकिन है। हिम्मत मत हारो निकू, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। पर तुम क्यों नहीं खोद रहे हो? मैं? पर मैंने तो कर दिया। मैं हार गया। चिड़िया ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे मैं आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ सकूं। अब मैं उड़ा ऊपर 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 आसमान में। मुझे लगता है नीकू पागल हो गया है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। हाय कुल्लू। ए निकू, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक है, बाय बाय।
अरे नहीं, मैं तो हार गया। आविष्कार करना इतना मुश्किल क्यों है? मेरा प्लेन तैयार हो गया है, देखिए किसका प्लेन दूर तक जाएगा। ओके छोटे, देखते हैं। देखना मेरा प्लेन तुम्हारे ट्रेन से ज्यादा दूर जाएगा। एकदम बकवास, मेरा प्लेन बहुत बेहतर है और देख लेना मैं जीत जाऊंगा। कितना बचपना है, मैं बोर हो गया हूँ। मुझसे कभी नहीं जीत सकता, पता है क्यों? अभी दिखाता हूँ, ये देखो। समझ आया? दोस्तों मेरा नया आविष्कार, देखते हैं किसका प्लेन सबसे दूर जाता है। वाह, ये इतने दूर उड़ रहा है। निकू तुम्हारा प्लेन तो कमाल का है। मेरा सबसे पहला आविष्कार। तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी है। जरा एक बार और उड़ा के दिखाओ तो। दोबारा उड़ा, दोबारा उड़ा। ठीक है फिर। ए निकू, मुझे कोशिश करने दो। दूर तक जाओ। वाओ, सच में इतनी दूर तक उड़ सकता? स्मार्ट हो ये निकू, तुम कमाल हो, बहुत बढ़िया। सच में मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसे प्लेन बना सकता हूँ। ये सही है, पता है हम सब आविष्कार कर सकते हैं। हमारी टीचर कहती हैं कि आविष्कार की सीमा नहीं होती है। चलो देखते हैं मेरा प्लेन कितना दूर जाएगा। तो ये देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए, तब हम जाकर नई चीजें बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें।